पहले सर आपका स्मित ब्लॉग में स्वागत करते हैं। तो आप बताइए, मतलब कि अपने कोचिंग संस्था के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट के बारे में? सबसे पहले आपके स्मित ब्लॉग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी, कि आपने निराला परिवार के इस महा सरस्वती पूजनोत्सव को विजिट किया है जी। बहरहाल हम सभी इस ब्लॉग को देखने वाले लोगों को तहे दिल से निराला परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और मैं आपके इस ब्लॉग के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं जी। थैंक यू सर। मेरा नाइट का व्यू देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे आप। तोरा बिना जी जी हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं अपने कोचिंग में, जहां हम लोग पढ़ाई किए हुए थे निराला विद्या मंदिर, जो यहां बहुत धूमधाम से सरस्वती पूजा होता है। वहीं के आपको दिखलाएंगे कितना हार्ट, मतलब कि यहां का डेकोरेशन रहता है, कितना हार्ट मूर्ति रहता है। आपको अपने गुरु जी से भी मिलाएंगे कि मतलब कि उनसे पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे गुरु जी। तो चलिए आपको दिखलाते हैं कैसा पंडाल है। यहां देख सकते हैं कितना बेहतरीन डेकोरेशन किया गया निराला विद्या मंदिर, और इसके अंदर जाएंगे और जो मेरे गुरुजी है उससे भी मिलवाएंगे आप लोगों को। कितना ज़्यादा भीड़ देख सकते हैं, जैसे लगता है कि यहाँ पे मतलब कि मेला लगा हुआ है, वैसा ही मतलब यहाँ भीड़ रहता है। देख सकते हैं पूरा गली मतलब कि पैक है। अभी तक कुछ मतलब कि कम हो गया, इससे पहले मतलब कि कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। आगे आपको दिखलाएंगे, और ये मेरे भैया सब भी मिल गए हैं। हम लोग अभी गली में आ चुके हैं, और कितना ज़्यादा भीड़ है इस कोचिंग संस्था में, मतलब सीतामढ़ी जिला के अंदर में। सकते यही निराला विद्या मंदिर का मतलब गेट है, और इसके अंदर में मतलब कि बनाया हुआ कुछ खास मूर्ति जो अपने हाथों से मतलब कि बनाया गया है। चलिए हम आपको आगे दिखलाते हैं। देख सकते हैं कितना हार्ड मूर्ति बनाया गया है, और ये बताने चाहेंगे कि मतलब कि ये अपने मतलब कि निराला सर के जो स्टूडेंट भी हो गए, भाई भी लगेंगे, वही मतलब कि अपने हाथों से मतलब कि इसको बनाए हुए हैं, और बहुत खास मूर्ति है देख सकते हैं। और आपको मतलब कि अपने गुरुजी से भी मिलवाएंगे, मतलब कि इससे जाने की कोशिश करेंगे वो क्या बोलना चाहेंगे मतलब कि सर जी। तो चलिए आपको देख सकते हैं कितना हार्ड मतलब कि डेकोरेशन, कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ है देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ मतलब दिनेश सर जी है, हम इससे जाने की कोशिश करेंगे, भी अपने गुरु जी से मिलना चाहेंगे, जो मतलब कि हम उससे पूछना चाहेंगे कि मतलब मेरे गुरु जी दिनेश सर, उमेश सर, गणेश सर, वो क्या बोलना चाहेंगे अपने संस्था के बारे में और अपने स्टूडेंट के बारे में। चलिए हम उसके ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस को आपको दिखलाएंगे। यही है निराला विद्या मंदिर का ऑफिस, देख सकते हैं सब सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिनेश सर, उमेश सर, गणेश सर। चलिए अंदर चलते हैं। पहले सर आपका स्मित ब्लॉग में स्वागत करते हैं। तो आप बताइए, मतलब कि अपने कोचिंग संस्था के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट के बारे में? सबसे पहले आपके स्मित ब्लॉग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी, कि आपने निराला परिवार के इस महा सरस्वती पूजनोत्सव को विजिट किया है जी। साथ ही मैं बताऊं कि आपने जो कैप्चर किया है इससे आपको अनुभव मिल गया होगा जी जी, चारों तरफ विद्या का ऐसा लग रहा है कि सरस्वती का माहौल बना हुआ, माहौल बना हुआ जी। नगरी है ये जी, तो कहीं ना कहीं माँ शारदे का यहाँ मतलब साक्षात निवास है जी। तो इसी के साथ मैं जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही जुड़े और माँ शारदे का आशीर्वाद ले, उनके आशीर्वाद से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है जी। तो सर एक सवाल था आपसे, मतलब कि जो मतलब सरस्वती माँ जो पूजा सरस्वती पूजा जो हो रहा है उसका मूर्ति जो बना हुआ है, सुनने में आप ही के फैमिली में का कोई मेंबर बनाया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल सही सुनने में आया है, आप मेरे ही भाई है जी जी, बस ऐसा समझ लीजिए ललित चौधरी उसका नाम है जी जी, और ललित चौधरी के नेतृत्व में ये मूर्ति की कारीगरी हुई है जी। लोग जितने भी आए हैं, बुकरी के चेयरमैन आए हैं, अग्निशामक से आए हैं, प्रशासनिक विभाग से सभी आए हैं, सबका एक ही कहना है कि सर हम हर जगह विजिट किए हैं जी, और क्या कहते हैं कि कुपरी के जितने भी मीडिया प्रभारी हैं वो लोग भी आए हैं, तो उन लोग का भी कहना यही है कि आठ कुपरी का जो जितने भी मूर्ति है सब टॉप क्लास का, ये जी जी हम भी देख के आए अभी, मतलब कि सबसे टॉप क्लास का निराला विद्या मंदिर का मूर्ति है, हमको भी देखने में बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं दिनेश सर, जहाँ दिनेश सर से मिल लिया आपको, गणेश सर और उमेश सर से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गणेश सर और उमेश सर जो मतलब कि दिनेश सर के मतलब बड़े भाई हैं, गणेश सर से हम जानने की कोशिश करेंगे, सर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद,
कहूँगा कि आप लोग ने मेरे सरस्वती पूजा महोत्सव में आए हैं जी, आकर के मेरे निराला फैमिली का शोभा बढ़ा दिए हैं जी जी। इसके लिए मैं पूरे आप सारे जितने भी टीम के मेंबर हैं उन सबों को मैं अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि बधाई देता हूँ जी जी। आशा करता हूँ ऐसे ही आप लोग आते रहिए, हमारे निराला विद्या मंदिर के प्रांगण की शोभा बढ़ाते रहिए। ज्यादा हम क्या कहेंगे, विशेष तो हम यही कहेंगे कि सरस्वती के भक्त हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करना तो मेरा एक प्रकार से कहिए तो है कि मैं बच्चों को ज्ञान शौक कहिए करना कह सकते हैं, बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं सरस्वती की देवी के माध्यम से, बस यही कहते। चलिए ठीक है, रहे गणेश सर के सबसे बड़े भाई उमेश सर जिसका निराला इंग्लिश लाइजम चलता है झज्जे रोड में, तो हम उमेश सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अपने स्टूडेंट के बारे में, अपने संस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्या से क्या मतलब सेवा देना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आपको सुमित ब्लॉग में स्वागत है, आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित ब्लॉग की ओर से जो मेरा इस संस्था का ब्लॉग बनाया जा रहा है जी, और ये सरस्वती पूजनोत्सव का जो माहौल है बड़ा रमणीय है जी, चारों तरफ जो मनमोहक नज़ारे हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे शिक्षक के समूह के द्वारा जो दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान जो कि पुथली शहर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है जी जी, आप अपने बच्चों को आगामी सुंदर भविष्य के लिए यहाँ दाखिला दिलवाएं जी, यहाँ 6 to +2 तक की पढ़ाई और हर विषय के यहाँ अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जी, उसमें सारे बच्चों को करियर डेवलप करने का जो उचित मौका मिल रहा है वो सराहनीय है जी। हाल ही में हमारे 6 बच्चे जो है दरोगा पद पर चयनित हुए हैं जी, 3 बच्चों को MBBS में दाखिला मिला है और ये सारी चीजें अब अनवरत चलती रहेगी जी, कंटिन्यूसली। अब हमारे प्रमाण जो है विगत 10 वर्षों 12 वर्षों से जो हम सेवा दे रहे हैं जी, अब उसका परिणाम निकलना शुरू हो गया है और हमारे जो भी अभिभावक अपने बच्चों को आने वाले दिनों में अच्छे जगह पर लाकर उनसे भविष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो बच्चों को अच्छे पद पर भेजना होगा जी, जी, जी। और इसके लिए आपका सजग होना बड़ा जरूरी है, तो अभिभावकों का सजग होना और अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे शिक्षण संस्थान का चयन करना यह उनकी सबसे बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि अभिभावक सिर्फ जन्म दे दे और बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए एक सही शिक्षण संस्थान का चयन न करे यह बड़ा दुर्भाग्यशाली माना जाएगा। बहरहाल हम सभी इस ब्लॉग को देखने वाले लोगों को तहे दिल से निराला परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं और मैं आपके इस ब्लॉग के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं जी। थैंक यू सर मेरे ब्लॉग में इतना सारा कुछ बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख सकते हैं ये निराला विद्या मंदिर का ऑफिस है और चलिए हम आपको आगे आपको दिखलाएंगे कैसा नजारा है यहाँ निराला विद्या मंदिर का। आज हम लोग को हम आपको मतलब कि नाइट का मतलब कि यहाँ का महा आरती जो होता है आपको दिखलाएंगे, यहाँ का नाइट का जो आरती कैसा होता है नहीं होता है। हमको तो सुनने मतलब अगले बार थे तो कुछ ज़्यादा ही हट कर था यहाँ का आरती और यहाँ का मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ क्राउड रहता है। तो चलिए हम आपको आगे आपको मतलब कि आरती में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने सुबह का नज़ारा निराला विद्या मंदिर का देखा ही था, अभी रात का 8:30 बज रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब कि निराला विद्या मंदिर जो अभी महा आरती होता है उसी वही देखने जा रहे हैं कि मतलब कि अभी कैसा नज़ारा रहता है अभी निराला विद्या मंदिर का। और मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, देख सकते हैं यह आदित्य छपरी है और हाय हाय बोल दिया या है, देख सकते हैं इसका नाम, तुम्हारा नाम क्या? अभिषेक। इसका नाम अभिषेक है और ये इसका तो जानते ही होंगे रोहित जानते ही होंगे। चलिए आपको आगे का आगे आपका नज़ारा दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग निराला विद्या मंदिर का कितना ज़्यादा ही कंटाप लगता है पंडाल। अभी का नाइट का व्यू देख सकते हैं आप लोग, इतनी खुशी मुझे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, आज हम लोग अभी मतलब कि निराला विद्या मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, इतना ज्यादा देख सकते हैं लाइट सबसे पूरा भरा हुआ है, ये देख रहे हैं रोहित
वीडियो में आने के लिए कैसे कर रहा है, देख देख रहे हैं। चलिए अब आगे आरती का आनंद लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं गाइस कितना ज्यादा भीड़ है कोचिंग के अंदर, मतलब आरती में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ निराला मंदिर कोचिंग संस्थान जो है उसमें सरस्वती माँ का महाआरती देख सकते हैं कितना धूमधाम से किया जा रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पे क्राउड है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare